वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ग्रुप बेस्ड टीचिंग लर्निंग मोड क्या है, समूह आधारित शिक्षण अधिगम क्या है। तो समूह आधारित मतलब कि हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर पीयर ग्रुप या उनके साथी के ग्रुप के साथ या फिर एक कक्षा में अगर हम बच्चों को एक साथ बैठा कर हम उसको टीच कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है कि उसको सही तरीके से वो सीख पाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा जो समूह आधारित जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो आज हम बेनिफिट बताने वाले हैं, वो पहला है सामाजिकता का विकास एवं प्रेरणा प्राप्त करना, दूसरा है मानसिक क्रियाओं का विकास, नेक्स्ट है आत्म त्याग की भावना का विकास, नेक्स्ट है कार्य कुशलता की प्राप्ति, नेक्स्ट है सहयोग की भावना का विकास, नेक्स्ट है प्रतियोगिता की भावना का विकास, नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणों का विकास। तो पहला जो है सामाजिकता का विकास एवं प्रेरणा प्राप्त करना, मतलब अगर जब हम ग्रुप में अगर किसी कार्य को करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को अगर हम तैयार करते हैं, तो उसको समूह में उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, उसको समाज की ओर से उसे एक प्रेरणा दिया जाता है कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मानसिक क्रियाओं का विकास, मतलब स्टूडेंट जितना अपना समूह में कार्य करता है उसका नॉलेज जो है उतना ही बढ़ता है। नेक्स्ट है कि आत्म त्याग की भावना का विकास, मतलब स्टूडेंट के अंदर अगर जब समूह में किसी भी कार्य को करता है तो उसमें वो आत्म त्याग की भावना भी आ जाता है, वो हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाता है और ग्रुप में करता है, जिससे कि उसके अंदर वो डेवलपमेंट आ जाता है और वो किसी भी कार्य को करने में रेडी हो जाता है और त्याग देता है। नेक्स्ट है सहयोग की भावना का विकास, मतलब स्टूडेंट हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तात्पर रहता है समूह में, किसी भी कार्य को उसको दिया जाए वो हमेशा 24 आवर्स तात्पर होता है। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता की भावना का विकास, स्टूडेंट जो है समूह आधारित कार्य में कि उसके अंदर एक दूसरे को सहयोग करना, मतलब अगर स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो दूसरे स्टूडेंट को बता के उसका सहयोग करता है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व गुणों का विकास, मतलब स्टूडेंट को समूह में अगर हम कार्य कराते हैं, जिसको आता है ज़्यादा वो एक लीडर की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे कहा गया है कि नेतृत्व के गुणों का विकास। अब हमने उसके लाभ को देखा, समूह आधारित शिक्षण अधिगम के लाभ को देखा, अब हम देखेंगे उसके प्रकार क्या क्या है। तो पहला प्रकार है वो है सहकारी शिक्षण अधिगम, और दूसरा है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, और नेक्स्ट है सामूहिक चर्चा, नेक्स्ट है खेल विधि, नेक्स्ट है रोल प्ले विधि, नेक्स्ट है परियोजना विधि, और नेक्स्ट है यथार्थवाद विधि। तो पहले मैं बताऊं कि सहकारी शिक्षण अधिगम क्या है। तो सहकारी मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट जो है कि वो सीख सके। हमेशा स्टूडेंट की जो सीखने की बात आती है, अगर वो कोऑपरेट करता है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को, वो आसानी से सीख सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं सहकारी शिक्षण अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम, जिस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग है उसी तरह से सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम भी है, जिससे कि स्टूडेंट का जो सीखने का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से सीखता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट है कि सामूहिक चर्चा, स्टूडेंट के साथ अगर एक दूसरे से डिस्कस होता है तो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर हम उसको ग्रुप बेस्ड लर्निंग में कहते हैं कि सामूहिक चर्चा जो है स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट है कि खेल विधि, स्टूडेंट को सिर्फ हम पढ़ा के ही उसको लिखा के ही हम उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसको हम खेल खेल में भी हम उसको सिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोल प्ले विधि, मतलब एक टीचर जो है कि स्टूडेंट का रोल प्ले मॉडल भी होता है कि टीचर जिस तरह से रोल करते हैं स्टूडेंट भी उसी तरह से वो रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट है परियोजना विधि, हम हमेशा स्टूडेंट कुछ प्रोजेक्ट देंगे और सिखाएंगे, जिससे स्टूडेंट के अंदर जो वो सीखने का जो गुण है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। इसे कहा भी गया है लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स स्टूडेंट जितना उसको अभ्यास करेगा उतना ही वो सीखेगा। नेक्स्ट है यथार्थवाद विधि, यथार्थवाद दैट मीन्स कि स्टूडेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पहाड़ पर्वत है तो हम पहाड़ पर्वत किस तरह से बढ़ती है, जैसे मूर्त से अमूर्त को जिस तरह से हम उसको आगे बढ़ाते हैं ले जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं यथार्थवाद। तो हमने यहाँ पर समूह आधारित शिक्षण अधिगम में उसके लाभ क्या है, उसके प्रकार क्या है, तो इतने सारे हमने जानकारी दी है।
तो जिस तरह से सहकारी शिक्षण अधिगम और सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, तो धीरे धीरे स्टूडेंट जो है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, सहयोग करते हुए वो सीखता है। इसीलिए से कहा गया है कि ग्रुप बेस्ड टीचिंग लर्निंग, मतलब कि समूह आधारित शिक्षण अधिगम कहा गया है। धन्यवाद।